हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास टेंथ में चैप्टर 10 सर्कल एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को। ठीक है फ्रेंड, तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। ठीक है, कोई सर्कल है मेरा, मैं ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे, ये मेरा सर्कल है। ठीक है फ्रेंड, जिसका सेंटर मान लो कोई ओ है। ठीक है, बोला गया द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, कोई टेंजेंट है इसकी, मान लो बाहर पॉइंट कौन है, क्यू से ड्रॉ की गई है, मैंने इसकी ये टेंजेंट ड्रॉ कर दी यहाँ तक। ठीक है, इसका नाम दे दिया मैंने टी, ये दे रखी मेरे को 24 सेंटीमीटर। बोले ना पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट अ सर्कल इज अ 24, कितनी दे दी 24। ठीक है, एंड द डिस्टेंस क्यू फ्रॉम सेंटर, क्यू का सेंटर से डिस्टेंस कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर, ये दे रखा मेरे को 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, तो इस सर्कल की रेडियस क्या होगी। फिर मैंने ओ को टी से मिला दिया, ये मेरी क्या होगी रेडियस होगी इस सर्कल की, ये मेरी क्या होगी रेडियस होगी सर्कल की। ठीक है, मेरे को ओ टी बताना निकाल के। फ्रेंड मेरे को पता है कि 10.1 थ्योरम हमने पढ़ा था, अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और रेडियस उस पर डाली जाती है तो क्या होती है उस पर वो परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे मैं आंसर करना शुरू करता हूँ, लिखूंगा ओ टी इज अ परपेंडिकुलर ऑन क्यू टी। ठीक है, बाय थ्योरम 10.1। ठीक है, 10.1 थ्योरम के अकॉर्डिंगली ये क्या है, इसमें परपेंडिकुलर है, पर मैं 10.1 द्वारा। अब बेसिकली देखा जाए तो मेरा क्या बन गया, ये एक राइट एंगल बन गया। ठीक है, राइट एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में आधार यानी कि बेस का स्क्वायर, ये होती है। तो 90 डिग्री के सामने वाला कोण है हाइपोटेन्यूज यानी कि ओ क्यू। ठीक है, और ये इसका क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर क्यू टी, और इसका जो बेस है वो कौन है ओ टी। ठीक है, क्यू ओ क्यू दे रखा मेरे को 25 सेंटीमीटर, क्यू टी दे रखा है 24, और प्लस में ओ टी मेरे को निकालना है। 25 को 25 से गुणा किया 625, 24 को 24 से गुणा करेंगे 576। ठीक है, प्लस ओ टी का स्क्वायर, ये प्लस का है, इधर इसको आ जाएगा माइनस का। ठीक है फ्रेंड, ओ टी का स्क्वायर, इन दोनों को माइनस किया मैंने, कितना है 49, इसके ऊपर जो स्क्वायर हटेगा सामने वाले पे रूट, और 49 का रूट कितना आ जाएगा 7, यानी मेरा आंसर कौन हो जाएगा ए हो जाएगा, ये मेरी कौन होगी रेडियस होगी। ठीक है, यानी कि त्रिज्या। ठीक है फ्रेंड, और ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 2 मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है, बोला गया है टीपी एंड टीक्यू आर टू टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। ये टीपी और टीक्यू टू टेंजेंट है, इसमें पीओ क्यू 110 डिग्री है, तो बताओ पी टी क्यू ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा। ठीक है फ्रेंड, ये बात मुझे प्रूफ करनी है कि ये कितने डिग्री का है, निकालना है। तो फ्रेंड मुझे पता है कि जो OP है वो परपेंडिकुलर होगा किस पे, PT पे, और OQ है वो परपेंडिकुलर होगा TQ पे। ये OP परपेंडिकुलर होगा इस पे और ये इस पे परपेंडिकुलर होगा, क्यों होगा उसके पीछे रीजन है बाय थ्योरम 10.1। ठीक है, पर मैं 10.1 द्वारा, जिसमें मैंने प्रूफ करके दिखाया था अगर कोई टेंजेंट जाती है किसी सर्कल पे और रेडियस ड्रॉ करते हैं तो क्या बनाते हैं, इस पे परपेंडिकुलर बनाती है। तो एक तरीके से मेरे क्या बना क्वाड्रिलेटरल, तो मैं लिखूंगा एंगल ओ पी टी प्लस एंगल ओ क्यू टी प्लस एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल पी टी क्यू इक्वल टू होगा 360 डिग्री के। क्यों, ये क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम होता है 360 डिग्री। ये मेरा 90 डिग्री है, ये मेरा 90 डिग्री है, पी ओ क्यू 110 डिग्री है, निकालना मेरे को पी टी क्यू है इक्वल टू 360। तीनों को जोड़ा ये मेरा आया 290 प्लस पी टी क्यू इक्वल टू 360। ये प्लस का है, उधर ये किसका हो जाएगा माइनस का, 360 माइनस में 290। ठीक है फ्रेंड, पी टी क्यू 360 में से 290 माइनस करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 70 डिग्री, ये मेरा आ जाएगा 70 डिग्री। ठीक है फ्रेंड, तो इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले फ्रेंड। ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक यू।